एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह 8 बजने वाले हैं और मैं आपको मिल रही हूँ अपने नाइट ड्रेस के अंदर, वो भी अपने घर पर। तो चलिए सुबह सुबह मैंने बोला चलो आज अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ब्राउनी जो है उसको बस ये देख लो, घुमाने लेके जा, घुमाने लेके जा। और कोई काम धंधा नहीं है क्या मेरे को? हाँ, पूरे दिन तेरे को घुमाते रहो। तो जी हाँ, चलिए सबसे पहले मम्मी से मिलवा देती हूँ। सुबह का दिन है, मम्मा यहाँ पे। मम्मा हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मम्मी जय श्री कृष्ण बोले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। तो जी हाँ, हमारी सुबह सुबह यहाँ पे जो मम्मी है चाय बना दी है, गर्मा गर्म चाय। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पापा जो है अभी तक सो रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और सुबह सुबह ऐसी हमारी मॉर्निंग होती है। और मैं भी अभी उठी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मम्मी और पापा, हम लोग सब गर्म पानी पीते हैं। और मम्मा ये क्या है ज़रा बता दो? जवारा। हाँ, ये जवारा है। और ये जवारा क्या है? ये वीट राइस नहीं, वीट ग्रास। हम लोग गेहूँ को हम लोग क्या बोलते हैं, उगाते। हाँ, गेहूँ को उगाते हैं और उसके जो ग्रास होते हैं, दिस जूस इज़ वेरी हेल्दी। मॉर्निंग में सुबह पापा, मैं, मम्मी सब लोग जूस पीते हैं ये, और उसके बाद वीट का जूस पीते हैं। तो ये वीट ग्रास है जो नेचुरली, मतलब वीट ग्रास का पाउडर भी आता है, पर अगर आप नेचुरली उसको ग्रो करते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, आपको फ्रेश मिलेगा। और ये है मेरी स्किन का राज, हेल्दी खाओ तो हेल्दी ही दिखोगे आप और ग्लोइंग ही दिखोगे हमेशा। सॉरी। तो चलिए यहाँ पे अभी हमारा ब्रेकफास्ट होगा और यहाँ पे चाय बन चुकी है। मैं अभी बीट जूस लूँगी इसके बाद, मतलब पहले ये लूँगी, इसके बाद बीट जूस लूँगी। एंड एम्प्टी स्टमक कुछ भी हेल्दी जूस पीना बहुत अच्छा है। और आप पापा जब थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर फ्री होंगे तो मैं आपको बताऊंगी, पापा आपको बोलेंगे कि वीट ग्रास क्या क्या बेनिफिशियल है, 2-3 पॉइंट्स आपको बता देंगे। पापा ही बताएंगे, ठीक है? क्योंकि वो हम लोग तो अभी अभी शुरू किए, पापा बहुत टाइम से ले रहे। मैं पापा को कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। हाँ, बहुत साल हो गए, आई थिंक 10-12 साल हो गए पापा ये पी रहे हैं। और यही है इनकी सेहत का राज। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद, वेदर अपडेट भी देती हूँ, लेकिन थोड़ा अभी जस्ट उठे हैं, थोड़ी देर के बाद देती हूँ। व्लॉग में आगे बने रहिएगा। मुझे अपने फिश को खाना देना है, पानी बहुत ही गंदा हो चुका है, मुझे वाटर भी चेंज करना है, लेकिन पहले उसको मैं खाना दे देती हूँ। चलो फिर ब्राउनी को भी खाना दे देती हूँ, मैं इनको खाना दे देती हूँ पहले सुबह सुबह, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। पहले अपने जो भी घर पे है उनको ही खाना देते हैं। एनिमल्स आर फर्स्ट प्रायोरिटी। भी खाना दे देती हूँ। यहाँ हो गया पानी, खाना वगैरह, खाना दे दो। चलो मेरा मॉर्निंग रूटीन, सबसे पहले इसको भी खाना दे देती हूँ। खाना चाहिए ना तुझे, उसको घूमने जाना है, उसको ना याद आता है बाद में कि खाना खाना है करके। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खाना देती हूँ। चलो ये जी हाँ, इसका पेडिग्री है। चलो भाई खाना दे देते हैं। चलो इसका खाना और पानी रख दिया। आप भी अपने पेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं भी सुबह सुबह उनको पहले खाना पानी सब कुछ दे देती हूँ, फिर मैं ही कुछ खाती हूँ बाद में। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, फिर मुझे अपना जूस पीना है, बीट जूस वगैरह, और फिर फाइनली मैं आपको मिलती हूँ। क्या तू बार बार इसको लेके दौड़ देती है? खाना दिया, खाना खाना, वो नहीं खाना है उसको, बस घूमने जाना है। खाना खा ले बेटा। ये तो चलो ब्राउनी को घुमाने लेके चलती हूँ।
मैं मिलूंगी आपको घर पर आने के बाद, थोड़ा उसको घुमा लेती हूँ, ठीक है? चलो, हाँ चल रही हूँ, आ चुकी हूँ ब्राउनी के साथ, मतलब उसको घुमा कर। यहाँ पे मम्मी और पापा जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देख सकते हो, चाय पानी नाश्ता। पापा आपको बताना है, जो जवार आप पीते हैं ना, वो क्या बेनिफिट देता है, वो नाश्ता करने के बाद आप बताना, ठीक है? ग्रीन ग्रीन खून, लहू, ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड। अच्छा, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है उससे। अच्छा, मतलब बीमार बीमार जल्दी नहीं पड़ते है ना। ओके, तो जी हाँ, ये सारे बेनिफिट्स हैं, मम्मी ने बता दिए पापा को, पापा नाश्ता कर रहे थे मुझे, मम्मी ने बता दिया, तो आप भी ध्यान रखिए। देट इज़ वीट ग्रास, जवारा इसको बोलते हैं, जवारा। ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ये पपैया, विच इज़ गुड फॉर डाइजेशन, ये हमारे घर के पपैया है। चलो मिलती हूँ मैं आपको खाने के बाद। तो जी हाँ, आज जो है मैं ये व्लॉग पूरा पॉइंटलेस होने वाला है। पॉइंटलेस इसलिए क्योंकि आज मैं अपना बहुत टाइम से जो मेरा काम बाकी है वो करने वाली हूँ, जो कि है मेरा वार्डरोब क्लीन करने वाली हूँ, मतलब कबट। बहुत ही ज़्यादा मैं क्या करती हूँ मम्मी, कैसे करती हूँ, कैसा है मेरा कबट एक बार बताओ। अरे हिंदी में बताओ। गंदा एकदम, बिल्कुल। अरे हिंदी में गंदा। तो अच्छा चलो ठीक है, आज के दो क्वेश्चंस बता दो, कल हमारे बाकी रह गए थे क्वेश्चंस, जल्दी आज के दो क्वेश्चन बता दो फटाफट। वापस 24वां जैन तीर्थकर, और दूसरा दरवाजा खोलवा लखोलावाल वगाड़ाती घंटड़ी, इंग्लिश में शू कहवाय, इंग्लिश में शू कहवाय। तो जी हाँ, इसी दोनों के आपको आंसर्स बताने हैं। तो चलो भाई, कमिंग बैक टू माय वार्डरोब, मुझे अपना जो कबट है वो क्लीन करना है। चल अइया आमा सो कंदे गंदी तर बड़ी गोठा। ए मम्मी जो है ना, क्या बोलते हैं, तंग आ गई है मेरे कबट से, इसलिए कपड़े मेरे मुंह पे मार रही है, फेंक रही है। तो चलो वार्डरोब क्लीन करते हैं आज। टुडे इज माय पॉइंटलेस व्लॉग, और ये अपना खाना खा रही है। देखो ये कैसा बकवास वार्डरोब पड़ा है। मतलब देखो ऐसा, उसमें है क्या है ना, अगर जब मुझे कोई कपड़े नहीं मिलते हैं ना, तो एक कपड़ा लेने के चक्कर में सारे कपड़े ऐसे नीचे गिरा देती हूँ। मेरे को जब कपड़े नहीं मिलते हैं, सी मोस्ट ऑफ गर्ल्स कैन रिलेट दिस थिंग्स, और पता नहीं बॉयज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन गर्ल्स को ऑब्वियसली ऐसा होता ही होगा, जब एक कपड़ा नहीं मिलता है तो क्या कैसे ढूंढे मतलब कपड़ा। तो मेरा यही चीज़ होता रहता है बार बार, यही होता है भाई, क्या करें। चलो फिलहाल आज का पॉइंटलेस व्लॉग है, कबर क्लीन करना है, व्हाट टू डू, करना पड़ता है। तो ये जो मम्मी है ना, मम्मी गुस्सा करेगी, गुस्सा। तो जी हाँ, दिस इज वेरी टायरिंग, मतलब कपड़े एकदम इजीली मिल जाने की वजह से ना, उसको तय करना किसी भी चीज़ को, टू गेट इन द प्लेस, टू गेट बैक इन द प्लेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई होप दैट यू कैन रिलेट। हाय मैं तो थक गई मम्मी, मैं ये कहीं टाइम से मेरा ये काम पेंडिंग है, तो आज मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा अब, और क्या, कोई उपाय नहीं है। चलो आपको तब तक मैं वेदर अपडेट भी सब खाली किया है, तब तक मैं आपको वेदर अपडेट दे रही हूँ। अभी फ़िलहाल बारिश नहीं गिर रही है, और कभी कभी गिरती है, कभी रुक जाती है। तो बस आज का वेदर अपडेट यही है, मैं अभी बाहर नहीं लेके जाना चाहती हूँ आपको, लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश नहीं गिर रही है। तो यही है आज का वेदर अपडेट। हाँ फाइनली वार्डरोब क्लीन करते करते मेरे को कॉफ़ी पीने का मन हुआ, अभी बारिश भी गिर रही है, तो चलिए कॉफ़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मासी भी आ चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं अकेली कितना साफ़ करती यार अपना कबट, तो कोई तो चाहिए ना।
तो मासी भी आ चुके हैं, तो चलो फिर मैं तब तक कॉफ़ी बना लेती हूँ अपनी। किचन में जाते हैं, जोरों शोरों से बारिश गिर रही है, ये देखो कितनी बारिश, हवा तो देखो कितनी तेज आ रही है, आप देख सकते हो। चलो इसी बात पे फटाफट गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाते हैं, फिर जो मेरा पेंडिंग काम है वार्डरोब क्लीन करना वो करते हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी रेडी है, और फिर कॉफ़ी पीने के बाद जो है मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद अपना वार्डरोब जो अधूरा काम है वो पूरा करना पड़ेगा, तो मम्मी मेरी बहुत चिल्लाएगी। मैं कर रही हूँ, और ये जो मेरा पेंडिंग काम है, ये कपड़े को ठिकाने पे लगाना है, वो बाद में करूँगी, मतलब सब तहस नहस कर दिया है। चलो भाई फटाफट कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ, और फिर मेरा अपना पेंडिंग काम जो है वो आज पूरा करूँगी। मासी मेरी हेल्प कर रही है, और मैं जो यहाँ पर है वो सारे टी शर्ट्स वगैरह वगैरह जो है वो लगा रही हूँ। इसी तरह से अभी मैं अपना ये जो काम है वो पूरा कर रही हूँ। लाता हूँ दी मैं भी घड़ी करूँ। शर्ट, हाँ शर्ट, टी शर्ट शर्ट ये बधु एक साइड पर है। तो ये है ना, ये हमारी लड़की बहुत दुखी करती है, हैं रे? क्यों रे, इतना ज़्यादा दुखी क्या करने का है? इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, कमाल मत नाम। ये स्पोर्ट्स वेयर, यहाँ पे टी शर्ट्स अलग से, यही सब हम लोग तय कर रहे हैं कब से। तू सब तहस नहस मत कर, इधर आ जा, ये सब खरवा जाएगी। तो जी हाँ, यहाँ पे अभी आपका भी कोई पेंडिंग काम हो तो पूरा कीजिए, यू नो, सेल्फ केयर के साथ सेल्फ क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, अपना काम अपना वार्डरोब क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का मैसेज इस व्लॉग में, कि सिर्फ सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ केयर के साथ सेल्फ थिंग्स को क्लीन करना, वार्डरोब वगैरह भी बहुत ज़रूरी है। बस यही है, ये देखो मासी तो घड़ी वाड़ती है फटाफट फटाफट फटाफट, है कितना काम बिगाड़ेगी, काम बिगाड़ेगी, काम बिगाड़ेगी। ये देख थोड़ा हेल्प करने का मम्मा को, क्या बोली, पूरे दिन रायता नहीं फैलाने का। इधर देख, कुछ बोल रही है ना मित्र को, सुनती नहीं है लड़की। देखो देखो वो आ गई, ये तहस नहस करने आ गई है मासी ने, हम लोग ने तय कर लिए है, फटाफट अभी ऑर्डर में रख देंगे, बाद में आपको दिखाती हूँ। हो चुका है, तय करके रख दिए सारे कपड़े, एक दिन सारे पूरे ने कपड़े भी निकालने हैं, लेकिन वो एक दिन निकालेंगे। बहुत सारे ये नीचे जो भंडार पड़ा है वो सब पुराने कपड़े हैं, जो मैं डोनेट कर दूँगी बाद में, मतलब दे दूँगी सारे कपड़े। तो चलिए भाई, आज का ये काम जो है समाप्त हुआ फिलहाल, तो चलो अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद आपको मिलूंगी। हाँ, सिंस दिस इज़ पॉइंटलेस व्लॉग, आज मेरे जितने भी पेंडिंग काम है, अधूरे काम है घर के, वो पूरे करने हैं। मैंने पहले अपना वार्डरोब क्लीन किया, अब नेक्स्ट है मुझे अपना ये एक्वेरियम जो है वो क्लीन करना है। तो चलो फटाफट इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंटलेस व्लॉग, आज सारे अधूरे काम पूरे करने हैं, तो ऐसा दिन तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए। चलो फटाफट इसको क्लीन करते हैं, लेट्स गेट इट डन। लगा दी है, वो भी बाल्टी इसलिए लगाई है ये सारा पानी निकालने के लिए। चलो अभी काम पे लग जाती हूँ मैं, और काम पे बस लगने ही वाली थी, और मम्मी ने मेरे को बुला दिया। मम्मी पता नहीं क्या क्या, हाँ बोलो क्या हुआ। देखो मम्मी मेरे को दिखा रही कितनी, इसका कलर बहुत अच्छा है, कितनी खूबसूरत चिड़िया है, छोटी सी प्यारी सी, वाव। भाई बारिश के टाइम में ना हमारे किचन, ये मम्मी चाय बना रही है, और यहाँ पे बारिश के टाइम में ना किचन से इतनी अच्छी चिड़िया आती है ना, प्यारी सी। इसका कलर ग्रीन है ना मम्मा, ये देखिए, ये देखिए इसको ये भगा देगी, मेरी कुत्ती भगा देगी चिड़िया को, सबको तो भगाए हैं।
तेरे को हमसे नुकसान कर रही है। वो देख 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 कितना जेलसी, इसको इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही है ना इससे, इतनी जेलसी हो रही है इससे। क्या पूछो, कितनी क्यूट बैठी हुई है छोटी सी प्यारी सी चिड़िया। हाँ बारिश गिर रही है ना, ऐसा नहीं करते ना, ऐसा नहीं करते ना, बदतमीज लड़की मत बन, उसको बैठने दे, बैठने दे। नहीं बेटा ऐसा नहीं करने का, बारिश गिर रही है, बारिश गिर रही है, इसकी नज़र कहाँ तक आपने वो नहीं देखा, कितनी जेलसी है इसके अंदर, मतलब उसको इतना भी बर्दाश्त नहीं हो, बारिश हो रही है, बेचारी चिड़िया बारिश में भीगना नहीं चाहती तो बैठी हुई है हमारे यहाँ पे, और इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब उसको लगा कि हमारे घर कोई और आ गया ऐसा, तो उसे उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आ ही कैसे सकती हूँ, इतना मार मारूंगी ना, इतना मार मारूंगी ना। क्यों किया ऐसा, यू आर अ गुड गर्ल और बैड गर्ल, हाँ ऐसा कलते हैं, ऐसा कलते हैं, ऐसा नहीं कलते। छो ना, उसको भी बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है ना, वो भी बीमार हो जाती है ना। माय काम, मेरे को ये काम करना है, चलो फटाफट इसको करने के बाद आपको दिखाती हूँ एक्वेरियम क्या हालत हो गई है देखो। चलो फटाफट काम पर लग जाते हैं। अपना वाटर चेंज कर दिया है यहाँ पर, चलो अभी उसके बाद चेंज करने के बाद जो है मैं इसको इसके अंदर फ़िश डालूंगी, और फिर थोड़ी देर के बाद जब फ़िश सेट हो जाएगी आपको बता दूंगी। तो डन विथ टुडेज पेंडिंग वर्क, ये सारे मेरे पेंडिंग काम थे, और अब इसका भी पेंडिंग काम है घुमाने लेके जाने का, पता है मेरे को, लेकिन अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ। पट्टो चाहिए, हाँ पट्टो चाहिए, चल फरवा जवाना, चल पट्टो ले आओ, जा चलो पट्टो ले आओ। हाँ गई, तो जी हाँ भाई पेंडिंग काम तो होते ही रहेंगे। चलिए भाई इसका भी काम ख़त्म करके फिर उसको घुमाने लेके जाऊंगी। तो चलिए फटाफट अभी मैं फ़िश को डाल दूंगी अंदर, और थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगी कि कैसा लग रहा है एक्वेरियम। हमारी सारी फ़िश को जो है पानी में डालने का, वापस मतलब एक्वेरियम के पानी में ही है, पानी में से निकाल के एक्वेरियम के अंदर डालने का, आप देख सकते हो ये गई हमारी फ़िश एक्वेरियम के अंदर। चलिए भाई इसको भी निकाल निकाल के हम लोग, और यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे फिश को। जी हाँ ये देख सकते हो मेरी सारी फिश जो है अब वापस अपने घर में जा चुकी है। और चलिए इसी के साथ ब्राउनी को भी वॉक पे लेके जाती हूँ, अभी बारिश नहीं गिर रही है फिलहाल, तो चलिए इसको भी लेके जाती हूँ वॉक पे। देख सकते हो कितनी खुश लग रही है सारी फिश। हाँ इसी के साथ हम आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे, मिलती हूँ मैं आप सब लोग को कल के और नए ब्लॉग में। टिल देन डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एस जे एंकर सुरभि जोशी। तो चलिए दिस इज मी एस जे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ।